हे फ्रेंड्स, सुबह चटोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं पिज़्ज़ा स्टोरी पे पिज़्ज़ा एंजॉय करने, और इससे पहले हम अंदर चलें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि स्वाद की गारंटी यही मिलती है। Check the mic and make sure it sound right, boys. ये है पिज़्ज़ा स्टोरी की करनाल वाली ब्रांच, जो कि सेक्टर 13 में मटका चौक वाली मार्केट में है। और ऑलरेडी इनकी एक पानीपत में ब्रांच है जो कि स्काईलार्क चौक पे है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखिए कितना अच्छा एम्बियंस है। छोटे छोटे केबिन्स बना रखे हैं, प्राइवेसी भी बहुत ही अच्छी दे रखी है इन्हें, मुझे बहुत पसंद आया। सो फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं और ऑर्डर हमने दे दिया है। और अगर आप एम्बियंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा एम्बियंस है। तो ये है इनका डाइनिंग एरिया, जहाँ पर हम लोग अपने स्नैक्स और पिज़्ज़ाज इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर आप कोई पार्टी के लिए अच्छा सा स्पेस ढूंढ रहे हैं, तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। और उसके लिए मैं आपको लेके जाऊँगी वीडियो के एंड में, वो स्पेस देखेंगे और देखेंगे कि वहाँ किस तरह की पार्टीज़ ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑर्डर बर्गर था हमारा, वो आ गया है। प्लेटिंग अच्छी लग रही है, टेस्ट करके देखते हैं कि स्वाद में कैसा है, टक्कर देता है बाकी को या नहीं। बन की क्वालिटी अच्छी है, टिक्की अच्छी मोटी है। ओवरऑल नाइस बर्गर, आप आ सकते हैं। बर्गर तो इसके इनके अच्छे हैं, बाकी भी टेस्ट कर चुका हूँ, सामान अच्छा है। आप आइए, टेस्ट कीजिए और देखते हैं आगे क्या क्या हम ऑर्डर कर रहे हैं और बताते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं गार्लिक ब्रेड। हमने लिए स्टफ गार्लिक ब्रेड, ये देखिए आप क्या चीज़ है, मतलब बहुत ही यमी लग रहा है। और अगर आप स्टफिंग की बात करें तो पहली ही जो पीस है स्टफिंग, वहीं से खूब अच्छे से दी हुई है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, सॉफ्ट है, एकदम हार्ड नहीं है, खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर पिज़्ज़ा स्टोरी पे आए हैं तो पिज़्ज़ा खाना तो बनता है। हमने यहाँ मंगवाया है इटालियन पिज़्ज़ा और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। जो चीज़ है क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर हम बेस की बात करें तो बहुत ही मोटा बेस नहीं है और बिल्कुल ही थिन क्रस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं बेस बहुत ही सॉफ्ट बेस है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अब बारी आ चुकी है पास्ता की, और इटालियन खाना आई थिंक पास्ता के बिना अधूरा है। और अगर कोई रेस्टोरेंट रेड सॉस पास्ता या कोई भी पास्ता उसमें एक परफेक्ट फ्लेवर दे सकता है, तो वो रेस्टोरेंट इटालियन में हिट है। तो चलिए खा के देखते हैं। वाकई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, और ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है स्वाद की गारंटी। वाकई में बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और अगर आप पिज़्ज़ा स्टोरी आ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाने को मिलेगा, यहाँ पर अवेलेबल हैं चाइनीज़ के ऑप्शंस भी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम चाइनीज़ टेस्ट ना करें, लेकिन भाई मेरा तो इटालियन खा के फुल हो चुका है अब, और नहीं तो क्या करें, टेस्ट तो बताना है। कोई बात नहीं, एक और है ना हमारे पास, तो चलिए देखते हैं और पूछते हैं उन्हें। सो फ्रेंड्स, मंचूरियन टेस्ट करते हैं पहले, ग्रेवी से शुरुआत करेंगे। मंचूरियन की ग्रेवी में जो गार्लिक और जिंजर का फ्लेवर होना चाहिए और जो बैलेंस होना चाहिए स्वीटनेस और सारनेस का, वो परफेक्ट बैलेंस दिख रहा है, मिल रहा है मुझे। कई जगहों पे मंचूरियन बहुत खट्टा कर देते हैं या बहुत मीठा कर देते हैं, केचप मिला देते हैं,
वैसा नहीं है, एक परफेक्ट चाइनीज रेस्टोरेंट पर जैसा मंचूरियन आपको मिलेगा बिल्कुल वैसा ही टेस्ट यहाँ भी उधर के आ रहा है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ चिली गार्लिक नूडल्स, कलर से अच्छी लग रही है, स्वाद भी अच्छा है। तो आप आइए सारे आइटम्स ट्राई कीजिए और जुड़े रहिए जुबा चटोरी के साथ, क्योंकि सिर्फ यही मिलती है आपको स्वाद की गारंटी। तो खाना हमने आपको बताया कि कितना टेस्टी खाना है यहाँ का, और अब आपको दिखाते हैं यहाँ का एक छोटा सा पार्टी हॉल जहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली ओपन और कवर्ड एरिया में ला के 30 पर्सन की पार्टी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए आप कितना अच्छा डेकोरेशन है, और ये मंकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख रहे हैं डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया है, ओपन एरिया की बात करें या फिर कवर्ड एरिया की बात करें, दोनों ही एरियाज़ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पर आइए और अपनी पार्टीज़ एंजॉय कीजिए। खाने का टेस्ट हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि कितना बढ़िया है। तो यहाँ आपको मिलता है डाइन इन के साथ पार्टी ऑप्शन भी, आइए और इन्जॉय कीजिए और जुड़े रहिए जुबान चटोरी के साथ, क्योंकि स्वाद की गारंटी यही मिलती है। Check the mic and make sure it sound right, boys.